हेलो क्लास नाइन्थ, अब मैं आज आपको कबीर की साखियों के प्रश्न उत्तर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर वन, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर का क्या मतलब है, कवि इसको क्या मानता है? तो मानसरोवर का मतलब है, एक तो वो मानसरोवर, इसके दो अर्थ हैं, जहाँ पर हंस विहार करते हैं मुक्त मन से, और दूसरा मानसरोवर का अर्थ है व्यक्ति का मन, जिसके बल पर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। दूसरा है, नेक्स्ट, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, सच्चा प्रेमी कौन कहलाता है? तो कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वो है, सच्चे प्रेमी की वो कसौटी है कि जिससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाए, अर्थात व्यक्ति के मन में जो भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाएं या धुल जाएं और व्यक्ति एकदम पवित्र हो जाए, वो सच्चे प्रेमी की कसौटी है। नेक्स्ट, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि के अनुसार इस दोहे में जो कबीरदास जी ने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो करके कुछ सीखा है, उसको कवि ने आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया हुआ है। चौथा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, या संत सुजान से क्या मतलब है? तो कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत वही है जो ऊंच नीच, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, इन सब बातों को छोड़ करके प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। वो किसी प्रकार के अपने पराये के झगड़े में नहीं पड़ता है और निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णताओं का मतलब जिन बातों से हम भ्रमित होते हैं, जो हमारे मन को भ्रमित करे, वो संकीर्णताएं कहलाती हैं। तो दो दोहों में क्या बताया गया है कि अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की बात बताई है, क्या कि अपने अपने, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हिंदू अपने मत को श्रेष्ठ मानता है, मुस्लिम अपने मत को श्रेष्ठ मानता है, तो एक दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता, अपने धर्म को महान बनाने की संकीर्णता, दूसरे में क्या है कि ऊंचे कुल के अहंकार की संकीर्णता, व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हो गया है तो वो अपने को सर्वे सर्वा मानने लगता है, वो संकीर्णता, इन दो बातों की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कैसे वो कर्म कर रहा है? व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा हो गया है और कर्म उसके खराब हैं, उसके आचार विचार खराब हैं, उसका चाल चलन खराब है, तो अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता, इसलिए उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। जैसे कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ विभिन्न लोग हुए, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब बहुत ही सामान्य परिवार के थे, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतने श्रेष्ठ कर्म किए कि उनके आधार पर वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए और एक जाने माने व्यक्ति कहलाए। इसलिए हमें कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उनके कुल से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो ये साखी दी हुई है, हस्ती चढ़िया ज्ञान की सहज तुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूपंदे जगमार, क्या कहा गया है इसमें? इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है कि मतलब इसमें क्या विशेषताएं बताई गई। तो इसमें कबीरदास जी ने ये विशेषता बताई है कि हस्ती चढ़िया ज्ञान को आपको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, एक हाथी के समान, जितना ऊंचा हाथी होता है उतने ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। सहज दुलीचा डार, उस पर सामान्य गद्दी बिछा करके अपना कर्म करिए, क्यों कि जब आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो स्वान रूप संसार है, ये संसार एक कुत्ते के समान बताया गया है कि आपके अच्छे कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उसकी निंदा जरूर करेगा। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इस संसार को भौंकने दीजिए और भौंकते भौंकते ये एक दिन अपने आप चुप हो जाएगा। जैसे जब हाथी निकलता है तो
तो पीछे से कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हाथी चलता चला जाता है और कुत्ते अंत में अपनी राह पर वापस आ जाते हैं। अब मैं आपके सामने शब्द के प्रश्नोत्तर का डिस्कशन करने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता फिरता है, कभी वो मंदिर में ढूंढता है, कभी मस्जिद में ढूंढता है, कभी काबा में ढूंढता है, कभी कैलाश में ढूंढता है, कभी भांति भांति के रूप रखता है, सन्यासी बनता है, सन्यासी बनकर ढूंढता है, इससे अलग वो कभी कभी तरह तरह के रूप रखकर या अन्य योग साधना पद्धतियों के माध्यम से भी ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। हम ये कह सकते हैं कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो ये दिखावे के जितने भी पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं इन सब का खंडन किया है, और कबीर ने कहा भी है स्पष्ट रूप से कि उनके अनुसार ना ईश्वर मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना कैलाश में है, ना काबा में है, ना काशी में, कहीं भी हमको वो ईश्वर नहीं मिलता है, ना योग साधना में है, ना बैरागी बनने से हमको ईश्वर मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है इनमें, इसलिए हमको मन नहीं लगाना चाहिए, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 10, तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि जब व्यक्ति कबीरदास जी कहते हैं हर जगह ईश्वर को ढूंढता फिरता है लेकिन वो नहीं जानता है, वो बावला हो गया, वो बिल्कुल नहीं जानता है कि ईश्वर तो हमारी श्वास श्वास में बसता है, हर श्वास, और इसके साथ साथ वो घट घट में हर एक के हृदय में व्याप्त है, इसलिए वो हमारी हर सांस में समाया हुआ है, वो हर प्राणी के मन में विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना, तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो एक जब प्रभु का ज्ञान का आवेश होता है हमारे अंदर, पदार्पण होता है उसका, तो उसका प्रभाव बड़ा चमत्कारी होता है, इसलिए उसने उसकी तुलना सामान्य हवा से नहीं की और आंधी से की है, क्योंकि जब तेज आंधी आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, तेज आंधी में व्यक्ति घबरा जाता है, तेज आंधी से उसके घर में या तो कूड़ा आ जाता है या उसके कूड़ा करकट उसका साफ हो जाता है, इसलिए उसने सांसारिक बंधन पूरी तरह से कट जाते हैं, और ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, ये परिवर्तन अचानक होता है और व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है प्रभाव? कि ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर जो भी अज्ञान है, जो भ्रम है, वो सब दूर हो जाते हैं, और माया रूपी जो मोह स्वार्थ धन तृष्णा ये सब जो विकार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं वो सब भी ज्ञान की आंधी आने से समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए, इसका आपको भावार्थ लिखना है। हित चित्त की द्वैत होने की दानी, जो कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं कि हित चित्त हमारा हित करने वाला मतलब स्वार्थ और चित्त, हमारे चित्त में समाये हुए जो दो थूनियाँ हैं जिनके ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है मोह बलिंडा टूटा, वो मोह की भी बल्ली जो टूट जाती है जब तेज आंधी आती है, अर्थात हमारा स्वार्थ से लगा हुआ जो मन, वो स्वार्थ से विपरीत मन हमारा एकदम साफ हो जाता है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं रह जाती है, ना अपनी चाहत रह जाती है, तो इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया और सांसारिक मोह नष्ट हो गया। आंधी पीछे जो जल लूटा प्रेम हरिजन बिना, और आंधी तेज आंधी आने के बाद अगर जल की बरसात हो जाती है तो वो एक तरीके से जब हमें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, जब प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है कि हम प्रेम में हरि की भक्ति रूपी प्रेम में हम भीग जाते हैं, अर्थात हरि से हमारा, भगवान से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। ये दोनों आप बहुत ही कायदे से इसकी आंसर शीट तैयार कीजिए, जैसा कि हमने आपको भेज भी रहे हैं आंसर शीट, और कहीं पे कोई गलती ना करें, बाकायदा इंडेक्स बनाते हुए इंडेक्स की भूल ना करें। और प्रश्न 13 जो आंसर शीट में नहीं है, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो इसका भाव आप लिखिए अपने आप। प्रश्न नंबर 14,
14, 13 जो है हमने आपकी आंसर शीट में नहीं दिया है, इसलिए मैंने कहा है कि आप इसका भावार्थ आपको स्वयं ही लिखना है। प्रश्न नंबर 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए कि कवि की क्या विचारधारा थी। साखियों और पदों के आधार पर वो क्या लिखना चाहते हैं? तो कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष या जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। अगर हम जातिगत भेदभाव से दूर रहेंगे तो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा और धार्मिक भी सद्भाव बढ़ेगा। सबको हिंदू मुसलमान आदि के झगड़ों से इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है दूर रहना चाहिए। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि जो निष्पक्ष होकर के भगवान को भजता है या भगवान की भक्ति करता है वही ज्ञानी संत है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों की कट्टरता को फटकारते हुए या उस पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए। जो दोनों से दूर रहता है वही भगवान का असली भक्त है। अच्छा 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना ठीक है, इसके आगे बस आपको यहीं तक करना, इतना ही आंसर से आंसर शीट में दिया गया है।